हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं निरो दाकू लौट आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमे कम्युनिटी इन इंडिया के बारे में। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं काफ़ी हफ्तों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं एक एनीमे देखने में बिजी था। इस एनीमे के ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। और जब मैं किसी एनीमे देखने में बिजी हो जाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से उसमें डूब जाता हूँ, यानी कि उसका जो भी ओवीए स्पेशल मूवीज मांगा जो भी मैं सब पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू सीधा वीडियो से शुरू करते हैं। तो इंडियन एनिमे कम्युनिटी को जानने के लिए हम उसे चार पार्ट में देखेंगे। पहला है ओताकूज इन इंडिया। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में भी काफ़ी लोग जो एनिमे देखते हैं, पर मोस्टली उनमें से सारे मेरे जनरेशन के, यानी कि जो अभी अपने 18 या 19 में यानी कि टीनेजर्स ने, क्योंकि हमारे समय पर हमें काफ़ी एनिमे देखने मिलता था टीवी पे, जो कि आजकल के बच्चों को नहीं मिल पाता। आजकल उन्हें एनिमे के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा डोरेमोन या शिनचैन या बेब्लेड या पोकेमोन देखने मिल जाता है, और वो भी धीरे धीरे टीवी से जा रहे हैं। पर हमारे टाइम पर हमें ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, डिजीमोन और नरूटो और ऐसे काफ़ी सारे शोज देखने मिलते थे, जिससे हमने धीरे धीरे करके आज इस मुकाम पे आए कि आज हम इतने सारे अलग अलग एनिमे देख रहे हैं। हमें उनकी वजह से ही एनिमे के बारे में पता चला और आज हम एनिमे एक्सपर्ट बन चुके हैं, ओताकू बन चुके हैं। पर आजकल के बच्चों के पास देखने के लिए इतना कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आजकल के भी काफ़ी बच्चे धीरे धीरे वो पोकेमोन और शिनचैन से ही आजकल डेथ नोट और ऐसे शोज में आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर जब तक छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे शोज आते रहेंगे इंडिया में, बच्चे कभी भी अच्छे शोज नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे देखने वाले बच्चे को, शोज देखने वाले बच्चे को डेथ नोट दिखाएंगे तो उसे तो स्टोरी पहली बार समझ में नहीं आएगी, पर वो तो बाद में यही कहेगा कि काफ़ी बोरिंग था, उसे कुछ समझा ही नहीं। और मेरा मानना है कि बिगनर्स को बिगनर्स वाले शो ही देखने चाहिए। अगर बिगनर्स डायरेक्ट बड़े शोज पर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे इतना मज़ा आएगा जितना उसे वो थोड़ा एक्सपर्ट होने के बाद देखने में आएगा। इससे हर किसी को अपने पेस पे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के बारे में। तो चलिए आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है लिमिटेशंस टू एनिमे इन इंडिया। अनलाइक अदर कंट्रीज, हमारे कंट्री में एनिमे देखने के लिए हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, जैसे कि हम सिर्फ टीवी में देख सकते हैं या फिर नेट पे जो इलीगल साइट्स है वहाँ पे देख सकते हैं। पर फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ टीवी पे तो देख ही सकते हैं, पर साथ ही साथ वहाँ पे लोग नेटफ्लिक्स, हुलू और क्रंची रोल जैसे ऐप्स पे मंथली अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनिमे देखने के लिए। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैसे देना चाहेगा एनिमे देखने के लिए, जो कि सही है। मैं पर्सनली भी कभी एनिमे देखने के लिए पैसा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो टीवी में हम देख सकते हैं उसे उसके लिए क्यों पैसा दें। पर जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे इंडिया में टीवी से भी एनिमे जा रहा है। पहले कार्टून नेटवर्क्स, हंगामा बहुत सारे जगह पे आता था, आजकल तो खाली डिज्नी पेक्सट्री पे आता है और कुछ होंगे हंगामा डिज्नी जैसे शोज जिसमें आते होंगे कुछ कुछ एनिमे, वो भी डोरेमोन शिनचैन जैसे। और मैं कुछ दिनों पहले ड्रैगन बॉल सुपर देख रहा था टून एनिमे पे या कार्टून नेटवर्क पे, और मैंने उसका डबिंग देखा तो उसका वो ऑफिशियल डबिंग नहीं था, वो फैन डब था या कह सकते हैं कार्टून नेटवर्क डब था, और वो डब बहुत ही ज़्यादा बेकार था, एकदम टट्टी जैसा था। मुझे तो एकदम उल्टी आ गई वो डब देखने बाद, इतना बेकार डब था वो। तो अगर ऐसा रहेगा तो कौन देखेगा शोज। तो इसलिए एनिमे बहुत लिमिटेड है इंडिया में, लिमिटेशन है बहुत सारी, पर धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में क्या होता है एनिमे का फ्यूचर इंडिया में। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने सेकंड टॉपिक में ही बता दिया, जो कि है ऑफिशियल वेज टू वॉच एनिमे। जैसे कि मैंने बताया कि हुलू, नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल जैसे वेबसाइट्स हैं तो आप उसमें सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, या फिर इलीगल साइट्स है जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा अगर आप एनिमे देखते हैं तो। मगर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ऑफिशियल वेज में एनिमे देखें, क्योंकि इस तरीके से आप जो उनके ओरिजिनल क्रिएटर्स, ओरिजिनल ऑथर्स वगैरह हैं उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उन्हें उनकी हेल्प होगी और वो इसी तरीके से और एनिमे बनाते रहेंगे, बना पाएंगे, और इससे हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं हमारा भी फ़ायदा होगा एनिमे देखने वालों का इंडिया में, क्योंकि हम भी वहाँ सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं अगर वो बनाएंगे तो। और इतना ही नहीं, अगर आप क्रंची रोल में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वहाँ पे एक शॉप का भी ऑप्शन होता है, जिसमें वो आपको नए नए मर्चेंडाइज भेजता रहे का ऑफर देता रहेगा और आप नए नए मर्चेंडाइजेस खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी आते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पे, जो कि हर इंडियन ओताकू करता है, कि वो हर एनिमे को अपने चाइल्डहुड बेसिस पे बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत
उसका ओपिनियन बहुत बायस्ड होता है, यानी कि एकदम जैसे कि वो ड्रैगन बॉल जी नरूटो बचपन में देखते थे और मैं मानता हूँ क्योंकि यादें जुड़ी है, लेकिन अगर वो कोई नया और अच्छा एनिमे देखते भी हैं तो भी वो बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा था लेकिन नरूटो जितना नहीं या ड्रैगन बॉल जी जितना नहीं, यानी कि वो क्योंकि उनकी सिर्फ इस पर क्योंकि उनकी बचपन की यादें उस शो के साथ जुड़ी है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उससे अच्छे भी एनिमेज होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी एनिमे देखे वो यही मानते हैं कि हाँ इससे बढ़िया एनिमे इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, और ऐसे लोग आपको बहुत देखने मिलेंगे। और वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आपको कोई शो अच्छा है आपकी यादें जुड़ी है तो अच्छा है, देखिए एंजॉय करें उसे। जैसे कि मेरा भी फेवरेट है एनिमे गिंतामा, तो मैं भी मानता हूँ कि मैंने और भी कई अच्छे एनिमे देखे हैं पर गिंतामा मेरा नंबर वन एनिमे और कोई उसका स्पॉट छीन नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को एनिमे के बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको नए नए और अच्छे अच्छे कंटेंट हर हफ्ते लाता रहूँगा आपके लिए, या कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार अपलोड करता रहूँ अच्छे अच्छे वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आप नोटिफाइड रहें हर बार जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।